तो यार एक काम करते हैं। अब मैं ना पहले एक काम करता हूँ, मैं ना जैसे फ्रेम खुलेगा तो मैं फ्रेम में रहूँ कि आऊँ? आता हूँ, मैं आता हूँ फ्रेम में। ये चालू है? अबे तो आना है ना फ्रेम में मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी फिल्म मेकर, और मैं हूँ पर, हाँ सिर्फ पर। नाम के ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, आई एम सो 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 सॉरी कि मैं बिना बताए चला गया था। ना कोई अनाउंसमेंट किया, ना मैंने कुछ बताया, कोई इंटीमेशन दिया, कुछ भी नहीं, और यूं ही नदारद। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाले, तो दोस्तों उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। उसमें से कुछ एक मैं आपको बता सकता हूँ, बाकी सारे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी रीज़न इतना वैलिड नहीं है कि जो आपने मेरे लिए वेट किया, जो मेरे ट्यूटोरियल्स के लिए वेट किया, जो मेरे सिखाने के लिए वेट किया, उसको जस्टिफाई कर सके। आई एम सॉरी। बट मेरा जो सबसे मेन रीज़न रहा वीडियोज़ नहीं डालने का, काम नहीं करने का, वो था मेरा हेल्थ इशू। जैसे कि आपने पहले वाले वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं थोड़ा सा बल्की था, राइट? हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त 117-15 केजीज के अराउंड था, और अभी मैं 82 केजीज का हूँ। यस, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। उसका रीज़न ये रहा क्योंकि मुझे ना एक इशू हुआ था, फिजिकल इशू, जो नाम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप उसको गूगल करके देखिएगा, द रिवर्सल ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस। इसका मतलब है कि आपके स्पाइन के अंदर जितनी डिस्क होती है ना, हमारी स्पाइन एक्चुअली डिस्क में डिवाइडेड होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बल्जेस आ जाते हैं, आपकी नसें उसमें दब जाती। तो मेरे साथ भी सेम वैसे ही हुआ। मेरा राइट हैंड जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, नंब हो जाता था, जिसकी वजह से मैं एडिट पे बैठता था तो मैं माउस हिला नहीं पाता था, ठीक है। सिर्फ माउस ही नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता था, ठीक है, मतलब खाना नहीं खा पाता था, बाल नहीं बना पाता था, टी शर्ट नहीं उतार पाता था, यार मतलब ऐसे सुन्न हो जाता था हाथ। तो मुझे लगा कि यार मुझे हो क्या रहा है। तब मुझे पता चला कि मेरे स्ट्रेस लेने की वजह से ये इशू मुझे हुआ। तो मेरे एडिटर दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस जो देना चाहूंगा वो ये देना चाहूंगा कि कुछ भी हो, कैसे भी काम आप कर रहे हो, किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हो, कोई काम, कोई क्लाइंट, कोई मनी आपकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि मैंने एज एन एडिटर बहुत साल काम किया है। एक अल्टीमेट प्रेशर जो एडिटर्स पे होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, वो मैं बखूबी जानता हूँ। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि उनको बस यही होता है कि एडिटर अगर आखिरी सांस भी ले ना, तो उसकी उंगली रेंडर की पे दबे। सीरियसली। खैर, मुझे आप लोगों से दोबारा से इतने एक साल समथिंग महीने में मिलके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि जब किसी चैनल पे वीडियोस नहीं डलते हैं या कंटेंट नहीं डलता है, तो उसमें लोग जाने लगते हैं, सब्सक्राइबर्स काउंट कम होने लगते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप लोग कंटिन्यूसली चैनल पे विजिट तो कर रहे थे, और मैंने जब एनालिटिक्स देखे तो इसके अंदर बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर्स भी थे। मतलब कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, मतलब वीडियोज़ पहुँचाए जा रहे हैं, मतलब यूट्यूब के एल्गोरिदम के थ्रू। और इसी चीज़ से मेरे को एक मोटिवेशन भी मिला कि मैं वापस आऊँ। खैर, वापस तो मुझे आना ही था, मैंने आपसे बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, और वो सारे प्रोमिसेस मैं इस बार पूरे करूंगा। ओके, सो अब जब हम एक डेढ़ साल बाद जब मिल रहे हैं, तो आप पीछे देख रहे होंगे 2.0 क्या है, राइट? ये है हमारा हिंदी फिल्म मेकर का दूसरा पड़ाव, यानी कि 2.0 वर्जन। और इस 2.0 वर्जन में हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा करेंगे, कुछ चीजें नई करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमने पहले भी की है, लेकिन उनको बेहतर तरीके से करेंगे। जैसे कि मेरे ट्यूटोरियल सिखाने का जो तरीका था, वो आप लोगों को पहले भी बहुत ईजी लगता था, लेकिन मैंने मेरे ही वीडियोज कुछ देखे और उसमें पाया कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो इस 2.0 की जर्नी में हमारे सिखाने का तरीका थोड़ा और सरल होने वाला। उसके साथ साथ हम मोबाइल फिल्म मेकिंग, मोबाइल एडिटिंग और हमारे फिल्म कोर्स पे भी ध्यान देंगे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था। जी हाँ, उस पे भी काम चल रहा है, उसकी भी स्क्रिप्टिंग चल रही है, उसकी भी शूटिंग हम चालू कर रहे हैं। वैसे एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स की और अगर एडिटिंग के कोर्स की बात करें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूबर सिखा रहे हैं। ना, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत सिखा रहे हैं या वो ख़राब सिखा रहे हैं, मैं थोड़ा बेटर सिखाता हूँ, एंड यू नो इट, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई ट्रिक के साथ में, और बहुत सारी बातें जो हमको एक अच्छा एडिटर बनाने के लिए ज़रूरी है, हेल्थ वाइज, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। आई होप कि आपको ये हमारा आइस ब्रेकिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक्चुअली कोई भी ट्यूटोरियल डालने से पहले आप लोगों से बात करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि क्या इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कोप अप नहीं कर पाया अपने प्रॉमिसेस पे, लेकिन अब उनसे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं होगी। आई एम हेल्दी, आई एम फाइन, एंड आई एम डूइंग माय वर्क, एंड मैं अब आगे जो ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा उससे आपको पहले जैसे हेल्प होती थी, वैसे ही आगे अपने प्रोजेक्ट्स में हेल्प होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बी क्रिएटिव, लव यू।